श्रीलंका के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में उतरते ही पाकिस्तान के कप्तान सरफराज अहमद के नाम बड़ा रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। सरफराज पाकिस्तान की ओर से बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज 50 वनडे मैच खेलने वाले पहले कप्तान बन गए हैं। इसी के साथ ही वह भारत के दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी के बाद दुनिया के दूसरे ऐसे क्रिकेटर बन गए हैं जिन्होंने 50 वनडे में टीम की कप्तानी की है। सरफराज ने 50 वनडे मैचों में कप्तानी करते हुए पाकिस्तान को 27 बार जीत दिलाई है, तो वही 20 मैचों में सरफराज की कप्तानी में पाकिस्तान टीम को हार का सामना भी करना पड़ा है। लेकिन जहां तक धोनी की बात है तो वह सरफराज से काफी आगे है। धोनी ने 200 वनडे मैचों में टीम की कप्तानी की है। इस दौरान उन्होंने भारत को 110 मैचों में जीत दिलाई है, जबकि 74 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। वही 5 मुकाबले टाई तो 11 बेनतीजा भी रहे। गौर हो कि 3 मैचों की सीरीज के आखिरी मैच में श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट गंवाकर पाकिस्तान को 298 रनों का लक्ष्य दिया है। इसके जवाब में उतरी पाकिस्तानी टीम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मैदान में उतरी है। पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था और दूसरे वनडे में पाकिस्तान ने 67 रनों से जीत दर्ज की थी। ऐसे में श्रीलंका को सीरीज टाई करवाने के लिए इस मैच में जीत दर्ज करनी होगी।